हाय गाइस, फैट लॉस फॉर एवर सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। आज मैं बात करूंगी द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर वेट लॉस। कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो कि आपको अपने वेट लॉस जर्नी में फॉलो करनी चाहिए और फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दो चीज़ें आपकी वेट लॉस जर्नी का बेस होने वाली हैं एंड हमें अपनी शुरुआत बेस को स्ट्रॉन्ग बना के करनी चाहिए। सो गाइज, इस वीडियो में इन दो चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी, डिटेल्स में बात करूँगी कि आपको ये क्यों ज़रूरी है। सो नंबर वन, एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस मीन्स जिसको हम कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट बोलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले कैलोरीज की बात करते हैं। कैलोरीज क्या होती हैं? कैलोरीज इज नथिंग बट एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमें हमारे फूड से एनर्जी मिलती है। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे बॉडी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करती है एंड उसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो कैलोरीज इन क्या हो गया? जहाँ पे हम लोग एनर्जी इनटेक कर रहे हैं थ्रू फूड, एंड कैलोरीज आउट जहाँ पे हम कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे कैलोरीज का एक्सपेंडिचर हो रहा है। सो गाइज, इस केस में एनर्जी इनटेक सिंपल है कि हम लोग एनर्जी अपनी फूड से ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन एनर्जी आउट हमारी बॉडी से कई तरीकों से हो रहा है। हमारी बॉडी कई बहुत सारे वेज फॉलो करती है जिससे हम लोग एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं। सो नंबर वन, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका क्या मतलब है कि जब हम लोग इवन रेस्ट पे भी होते हैं तब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी खर्च होती है हमारी बॉडी से, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जिसमें हम लोग हमारा डाइजेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन प्रोसेस चल रहा है, ये सारे बॉडी में अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं और इनके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जहाँ पे बॉडी एनर्जी खर्च करती है, ठीक है। अगर आप रेस्ट पे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तब भी आपकी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये ऑलमोस्ट आपका 60% एनर्जी आपकी बॉडी यहाँ पे खर्च करती है आपकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का। मतलब दिन भर में जितनी आप एनर्जी एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसका 60% हिस्सा आपके यहाँ पे खर्च हो रहा है। नंबर टू, नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मीन्स कि वो जो सारी छोटी छोटी अनकॉन्शियस एक्टिविटीज जो हम लोग दिन भर में करते हैं, जिनको हम एक्सरसाइज में काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पर हमारी बॉडी एनर्जी खर्च करती है, ठीक है। जैसे कि मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, है ना, कम्युनिकेशन कर रही हूँ आपसे, मैं हैंड्स की मूवमेंट हो रही है मेरी यहाँ पे, मैं बोल रही हूँ, है ना, हम लोग वॉक करते हैं इधर से उधर जाने के लिए, बच्चों के साथ खेलते हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हो गई, उछल कूद हो गया, कुछ भी जो भी एक्टिविटी होगी हमारी दिन भर में जो कि जिसको हम एक्सरसाइज नहीं मानते, उनमें भी हमारी बॉडी एनर्जी खर्च करते हैं और उनको हम बोलते हैं नीट, ठीक है। यहाँ पे करीब करीब आपका 10-15% जो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का हिस्सा है वो खर्च हो जाता है, ठीक है। नंबर थ्री, ईट, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मींस जब आप एक्सरसाइज करते हो उसके दौरान जो आपकी एनर्जी एक्सपेंड होती है उसको हम ईट बोलते हैं। एंड नंबर फोर, TEF, थर्मोजेनेसिस इफेक्ट ऑफ फूड। इसका क्या मतलब है कि हम जो खाना खाते हैं उसको भी पचाने के लिए, उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, उसको हम TEF बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस इफेक्ट ऑफ फूड, ठीक है। तो ये चार तरीके थे जिसके थ्रू हमारी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती है, जिसको हम टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ठीक है। जो कुछ भी कर रहे हैं हम लोग दिन भर में वो इन चारों में इंक्लूड हो जाएगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप सो रहे हो, आप खा रहे हो, आप चल रहे हो, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो इन चारों में इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज, अब हमें समझने वाली बात ये है कि जब आपका कैलोरीज इनटेक और कैलोरीज एक्सपेंडिचर जब बराबर होता है दोनों, ठीक है, तो हमारा वेट मेंटेन रहता है, ठीक है। सिंपल है कि हम लोग अगर वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें उतनी कैलोरीज खानी है जितना हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है दिन भर में,
उसको हम मेंटेनेंस कैलोरीज भी बोलते हैं, ठीक है। और अब आप वेट लॉस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलोरीज डेफिसिट इम्पोज करना पड़ेगा, कैलोरीज डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। मींस जितनी आपकी ज़रूरत है उससे आपको खाना कम खाना है, जितना आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है उससे आपको खाना कम खाना है, इनटेक आपका कम होगा, कैलोरीज इनटेक कम एंड कैलोरीज आउटपुट ज़्यादा, ठीक है। एंड आप अगर वेट गेन करना चाहते हो तो आपको उल्टा करना पड़ेगा प्रोसेस, आपको कैलोरीज इनटेक ज़्यादा रखनी पड़ेंगी एंड कैलोरीज आउटपुट आपका कम होगा, ठीक है। आई होप मैंने इस डिफ़िकल्ट यू नो टर्म को एक सिंप्लीफाई वे में आपको समझाया होगा एंड आई होप आपको समझ भी आई होगी कि अगर हमें वेट लॉस करना है तो हमें कैलोरीज डेफिसिट इम्पोज करना पड़ेगा। सो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, जब आप वेट लॉस के लिए जाते हो तो आपको सबसे पहले अपनी ज़रूरत से कम खाना खाना शुरू करना पड़ेगा, आपको कैलोरी डेफिसिट में रह के खाना खाना शुरू करना पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी में जो एक्सेस फैट स्टोर्ड है वो मोबिलाइज होगा, वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट होएगा एंड धीरे धीरे आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो नंबर टू, सस्टेनेबिलिटी एंड अडेरेंस। गाइज अब आपको ये पता लग गया है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में रह के खाना पड़ेगा तभी आपका वेट लॉस स्टार्ट हो पाएगा, है ना। और अब आपने एक डाइट पैटर्न भी चूज़ कर लिया है, आप उसको डेफिसिट में रह के खा रहे हो, ठीक है, आपने एक डाइट पैटर्न ले लिया है उसको अब आप कैलोरी डेफिसिट में रह के खा रहे हो, तो अब तीसरी चीज़ क्या आती है कि आपको, आप क्या उसको सस्टेन कर पा रहे हो। आपको रिजल्ट्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप उस पैटर्न को, उस डाइट को सस्टेन नहीं कर पाओगे, उस पर अडेयर नहीं रह पाओगे, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाओगे। कोई भी डाइट तभी काम करती है जब आप उसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, उस पर सस्टेन हो, उस पर अडेयर हो, ठीक है। आप चाहे कोई भी डाइट, आप कीटो कर रहे हो, इंटरमिटेंट कर रहे हो, डिटॉक्स कर रहे हो, आप कोई भी डाइट ले रहे हो यार, ठीक है, इन मैटर ऑफ फैक्ट, बट आपको उस पर सस्टेन रहना है। आपको ये नहीं कि दो तीन महीने आपने फॉलो करा और वापस से आप पुराने डाइट पैटर्न पे आ गए, तो आपका वेट लॉस एक बार होगा लेकिन फिर दोबारा रीगेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और चांसेस क्या मतलब होगा ही होगा आपका रीगेन, आप वेट रीगेन कर लोगे। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि एक बार आपने अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वेट लूज़ कर लिया, लेकिन जैसे ही आपने उस डाइट को बंद किया, जैसे ही आपने स्टॉप किया और पुराने ईटिंग पैटर्न पे आए, तो आपका मतलब बहुत जल्दी, जितनी देर में आपने वेट लूज़ नहीं किया था उससे भी कम टाइम में आपका वेट रीगेन हो जाता है। सो गाइज यही रीज़न है कि आप उस डाइट को ना सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, उसको आप उस पर आप अडेयर नहीं रह पा रहे हो। सो ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको फॉलो करना है, आपको एक ऐसा डाइट पैटर्न चूज़ करना है जिसको आप सस्टेन कर सको गाइज। और ये आप कैसे कर पाओगे, आपको शुरू में थोड़ी सी ईजी चीज़ों से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आज आपने वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट करी और एकदम से ही आपने इतना रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए अपने ऊपर, इतना ज़्यादा कि आपको 100% अपनी विल पावर लगानी पड़ रही है उसमें रेगुलरली उसको फॉलो करने के लिए। सो गाइज उस केस में ना आप थोड़े दिनों तक तो कर पाओगे, लेकिन फिर आपका धीरे धीरे जाके इंटरेस्ट लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट लूज़ हो गया अगर आपका, तो आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो ही नहीं करोगे, है ना, आप उस पर सस्टेन नहीं कर पाओगे, उस पर अडेयर नहीं कर पाओगे। और उसके साथ में क्या हो रहा है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं, हमारी फैमिलीज़ की प्रायोरिटी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे हमें अपने और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड्स के लोन्स हो गए, हमारे होम लोन्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं हमारी ज़िंदगी में, है ना। सिर्फ एक आप वेट लॉस थोड़ी ना कर रहे हो, आपको 20 और चीज़ें काम करनी है, आपको ऑफिस का वर्क है, ठीक है। तो इस केस में आपको एक ऐसा वे चूज़ करना है जो कि थोड़ा सा इजी हो, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, जिसमें आपको 100% विल पावर ना लगानी पड़े, जिसको आप अपनी जो बाकी चीज़ें हैं जिनको आपने प्रायोरिटी देनी है लाइफ में, उनके साथ आप ये भी चीज़ कर पाओ, आप अपना डाइट को भी यू नो फॉलो कर सको। तो गाइज हमेशा ऐसी अप्रोच फॉलो करो जो कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करे, है ना, तभी जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आप उसको सस्टेन भी कर पाओगे, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
एंड जो लोग सस्टेन करते हैं, जो लोग अडेयर रहते हैं अपने डाइट पैटर्न्स पे, अपने जो भी चीज़ उन्होंने फॉलो करनी शुरू करी हैं अपने वेट लॉस में, तो वही उन्हीं लोगों के रिजल्ट्स आते हैं और वही लोग उसको मेंटेन कर पाते हैं। सो गाइस, सिंपल चीज़ यही है, सिंपल टेक अवे इस वीडियो का यही है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में रह के खाना है, तभी कोई भी डाइट अपने रिजल्ट्स देगी। कोई भी डाइट ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ खाओ और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं, आपको कैलोरी डेफिसिट में रह के खाना है, पोर्शन आपके कंट्रोल होने चाहिए। एंड सेकेंड थिंग क्या आती है कि आप उसको सस्टेन कर सको, आप उस पर अडेयर रह सको। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आपको। मैंने बहुत ईजी तरीके में समझाने की कोशिश करी, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करी है। सो थैंक यू सो मच। एंड या प्लीज़, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। एंड थैंक यू सो मच।